Welcome back to Vodafone Race to Fame with MTV. Right now, we're at pit stop number 2. अब आपका second task है. बहुत आसान है. अगर आप लोग passionate हैं, आपको ये पता होगा कि gravel किस लिए इस्तेमाल होता है track पे. When you're getting off the track, गाड़ी की speed को slow करने के लिए gravel इस्तेमाल होता है. जो ये track है, इसके एक हिस्से को हमने 50% घेर दिया है gravel से, which makes it very difficult to drive between the tracks. Red lines दिख रही हैं आपको. आपको इसके बीच में चलाना है. Point A to point B. हर बार जब तुम्हारी गाड़ी ग्रेवल पर जाएगी, 5 seconds will be added to your time. जो 6 लोगों ने सबसे जल्दी कर दिया, वो टास्क नंबर 3 पे पहुंचेंगे और 3 slowest times पहुंचेंगे अपने घर. Try to be very fast but accurate. Precision driving चाहिए. All right, your time starts in 3, 2, 1, go. Nice one, lovely. You got a wet track now. You got more factors to deal with. Go, go, go. स्पीड कम थी लेकिन दिल की धड़कन बहुत ज्यादा थी. होता है कभी कभी. होता है कभी कभी. 3, 2, 1, go! I don't think I performed that well actually. अभी देखते हैं क्या होगा. How do you guys feel? Great. कैसा था आपका second task, pit stop number 2? It was great. काफी लोगों ने स्पीड पकड़ी लेकिन ग्रैवल पे ज़्यादा गए. काफी लोगों ने बहुत स्लो किया, ग्रैवल पे बहुत कम गए. द फाइनल स्कोर्स आर हियर विद मी. गिडियन, 34 सेकंड्स. यू थिंक इट्स गुड इनफ? दैट्स नॉट गुड इनफ एट ऑल. नो. राजेश, या 52 सेकंड्स. मलीटो, 60 सेकंड्स. वफीना, या 33 सेकंड्स. कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेफ. राहुल, yeah, 62 seconds. Mesha, yes, 39 seconds. Zico, yeah, 36 seconds. Christabella and Siddesh, one of you is staying, the others not. Siddesh, Rahul and Malito, आप सब यहां से जा रहे हैं. यू हैव बीन एलिमिनेटेड. कंग्रेचुलेशन. सिर्फ 6 लोग रह गए यहां पे, बाकी के कैन लीव. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. योर रेस टू फेम हैज जस्ट फिनिश्ड. नो मैन, आई वांटेड इट सो बैड, रियली वांटेड इट सो बैड. ऑलवेज हैमिल्टन इज लाइक माय फेवरेट रेसर, एथलीट. आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम. आई जस्ट मिस इट अ लॉट. ग्रेट टू सी कि शुरू में सिर्फ 3 लड़कियां थी और 9 लड़के थे. अभी भी वो 3 लड़कियां हैं और सिर्फ 3 लड़के बचे. वेल डन गर्ल्स, वेल डन. आप लोग सब यहां से जा रहे हैं पिट स्टॉप नंबर 3. एंड दिस इज गोना बी अ नॉलेज बेस्ड टास्क अगेन. सो पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड वी विल सी यू गाइस इन जस्ट अ सेकंड. हाउ आर यू गाइस डूइंग? ग्रेट. दिस इज योर थर्ड पिट स्टॉप, अ नॉलेज बेस्ड टास्क. आप तीनों में से 2 लास्ट टास्क उसमें जाएंगे और 1 यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा. मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. हर क्वेश्चन के 9 ऑप्शंस होंगे जिसमें से सिर्फ 5 ठीक है. आपको उन 5 में से कोई भी 3 सही जवाब देने हैं. ऑलराइट, योर फर्स्ट क्वेश्चन. 5 ऑफ दीज ग्रैंड प्री रेसिंग ड्राइवर्स आर फ्रॉम जर्मनी. आइडेंटिफाई देम. माइकल शूमाकर, निक हाइडफील्ड, सेबास्टियन वेटल, टिमो ग्लॉक, क्रिश्चियन अल्बर्स, मार्क ब्लंडल, फिशर चेला, मिका हैकनन. Heinz Harald Frentzen. 1. Mika Hakkinen. Wrong answer. Sebastian Vettel. That's right. One more. Michael Schumacher. 100%, of course. Michael Schumacher is German. You should have known that. Well done. Congratulations, Isha. Thank you. You're in the final task. Your next question is, Michael Schumacher won the Drivers' World Championship in which of these years? The options are 94, 95, 2000, 96, 97, 2002, 2004, 2008, 2010. Yes, Zico.
2002. Okay. 2000. Okay. 1995. Well done. All three of them are the right answers. Congratulations. आप पहुंच गए हैं लास्ट और फाइनल टास्क में. आपने जवाब देने का कोशिश भी नहीं किया. I was not really sure about the answers. Your first question. Five of these racing circuits are located in the USA. Which are they? Detroit, Fairbank, Phoenix. Detroit and Indianapolis Motor Speedway. For sure. Silverstone. Silverstone in England. Phoenix. Phoenix, right. All right. आप दोनों रह गए. Girl power, come on. Are you ready? Your next question. Five of these companies make and race Grand Prix racing cars. Name them. Cristabella. Ferrari. Yes. BMW. Yes. Renault. Well done, congratulations. You're in the last task, which is the fourth pit stop. Congratulations. Congrats. आपको नहीं पता था ये? He didn't answer on purpose. Oh, congrats. It's okay. You should have done that. It's okay. You deserve it. I don't deserve it, Dad. Go on to the next round. He knew the answer. He told me he knew all five. What's your problem? Why you gave up, man? You deserved this more than me. Come on, go ahead. We're friends from childhood and he's like my brother. So everything that I've done, every opportunity I've gone, every prize that I've won has him who has given me the support and everything. Tabella, your friend sacrificed his position. He didn't answer and he let you answer. So this gives you all the more reason to be at least one of the top two winners. Go! Think about Gideon. Come on.